कांग्रेस के स्पीकअप इंडिया अभियान का आगाज और अभियान के जरिए केंद्र सरकार को कांग्रेस सरकार घेर रही है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार से मांग की, केंद्र सरकार गरीबों के खातों में 10,000 रुपए नकद डाले, आयकर की सीमा में नहीं आने वाले, हर परिवार के खाते में ये 10,000 रुपए डाले जाए, मनरेगा में रोजगार दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। सोशल मीडिया पर राजस्थान में नरेगा की स्थिति की भी जानकारी यहाँ पर दी। कहा कि राजस्थान में 40 लाख से अधिक मजदूरों को दिया जा रहा है मनरेगा में रोजगार, केंद्र सरकार लॉकडाउन के बाद कोई ठोस नीति बनाए और इसका जल्द खुलासा करे। अभियान के जरिए केंद्र सरकार को यहां पर घेरा जा रहा है कांग्रेस सरकार की ओर से। कांग्रेस के स्पीकअप इंडिया अभियान का आगाज सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी आला अधिकारी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और साथ ही जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस का यह अभियान। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह निर्देश दिया था कि इस अभियान में सभी कार्यकर्ताओं का शामिल होना अनिवार्य है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ 50 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑनलाइन आकर मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं। बड़ा अभियान सोशल मीडिया पर कांग्रेस का ये। ये मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है कि इनकम टैक्स की परिधि से बाहर प्रत्येक परिवार के खाते में केंद्र सरकार 10,000 रुपए जमा करवाए, उनकी मदद करे और इसके अलावा मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। कांग्रेस के करीब 50 लाख कार्यकर्ता ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभियान के जरिए केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। आयकर की सीमा में नहीं आने वाले, हर परिवार के खाते में 10,000 रुपए डाले जाएं, ये कांग्रेस मांग कर रही है और साथ ही मनरेगा में रोजगार के जो दिन हैं उन्हें 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। सोशल मीडिया पर राजस्थान में नरेगा की स्थिति की भी जानकारी दी गई। साथ ही आपको ये भी बता दें, राजस्थान में 40 लाख से अधिक मजदूरों को मनरेगा में रोजगार दिया जा रहा है और केंद्र सरकार लॉकडाउन के बाद क्या जो नीति रहेगी उसका जल्द खुलासा करे। चलिए अब आपको सुनाते हैं सोनिया गांधी का मैसेज जिन्होंने स्पीकअप इंडिया के तहत देखे क्या संदेश दिया। पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पाव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, हर खाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ।
चलिए अब आपको सुनाते हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का मैसेज, जिन्होंने स्पीक अप इंडिया के तहत क्या कहा, आप भी सुनिए। कोरोना और लॉकडाउन ने सबकी हालत खराब कर रखी है। मजदूर परेशान है, मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं, छोटे मोटे उद्योग मुश्किल में है। सरकार सुन नहीं रही है। कांग्रेस लोगों के हाथ में पैसे देने की बात करती है तो सरकार कर्जा देने की बात करती है। 20 लाख करोड़ का जुमला देती है। गरीब मध्यम वर्ग के और छोटे मोटे उद्योगों को बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वो तुरंत गरीबों को 10,000 रुपए की सहायता दे, छोटे उद्योगों की मदद करे, उनको पैसा दे ताकि मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा पहुंचे, साथ ही प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क और सकुशल घर पहुंचाए और मनरेगा का रोजगार 200 दिन का किया जाए। ध्यान रहे, गरीब मजदूर और छोटे उद्योग बचेंगे तभी देश बचेगा, और देश बचाने की इस मुहिम में सरकार से मेरी विनंती है कि इन तीनों को बचाकर देश की रक्षा करें। चलिए सचिन पायलट ने भी यहाँ पर कुछ मैसेज दिया है, कुछ मांग की है, डिमांड की है, वो आपको सुनाते हैं। अभी एक संजीवनी की तरह हमारे सामने एक योजना है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए, लेकिन हमने ये मांग रखी है कि अभी मैक्सिमम जो रोजगार है वो 100 दिन का मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, हर परिवार से। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस 100 दिन की लिमिट को बढ़ाकर 200 दिन कर दे, ताकि जो लोग आज बेरोजगार हैं, बेघर हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो नरेगा योजना का और बेहतर लाभ उठा सकते हैं। नरेगा के लिए केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किया है, और ये वही सरकार है जिसने सत्ता ग्रहण करते समय कहा था कि नरेगा से कोई लाभ होगा नहीं, और यूपी सरकार की एक बहुत बड़ी गलती थी, और आज वही नरेगा हमारे लिए जीवनदान साबित हो रहा है। तो हमने मांग करी है केंद्र सरकार से, मैं चाहता हूँ आप सब लोग अलग अलग माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस अध्यक्षा ने ये पहल कर कर, राहुल गांधी जी ने पहल कर कर कहा कि गरीब, श्रमिक, किसान, मजदूर, वंचित, जो आज लोग हम सब पीड़ा में हैं, लेकिन जो हम सबसे गरीब है उसकी मदद करने के लिए हमें आगे। तो देखिए सचिन पायलट ने भी यहाँ पर मांग की है, डिमांड की है कि केंद्र सरकार आगे की जो भी रणनीति बनाए उस पर कुछ ना कुछ जो ठोस निर्णय लिया जाए उसका खुलासा किया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। अभियान के जरिए यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग सोशल साइट्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑनलाइन आकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये निर्देश दिए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चिट्ठियों के जरिए, कि जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उन सभी का ये जो प्रोटेस्ट है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट, इसमें आना जरूरी है। करीबन 50 लाख कार्यकर्ता इसके साथ जुड़े हुए हैं, सभी जो तमाम पदाधिकारी, आला पदाधिकारी, नेता हैं वो जुड़े हुए। मांग लगातार की जा रही है उन गरीबों के लिए, जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं उन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और क्या क्या यहां पर कांग्रेस की ओर से। बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के चलते आज देश में जो हालात बने हुए हैं, आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है, उसके चलते कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस विपक्ष में है केंद्र सरकार में, तो ऐसे में ये निर्णय लिया कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके साथ बैठक की, और बैठक के बाद विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, आज देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, गरीब मजदूर, किसान और छोटे व्यवसायी हैं उनकी आवाज़ बनने का निर्णय कांग्रेस ने लिया है। और आज कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि 11 बजे से 2 बजे तक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा विशेष अभियान चलाया जाए, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की जाए कि गरीब मजदूर और किसान की मदद की जाए। आज जो हालात देश में बने हुए हैं, आर्थिक संकट आ रहा है देश के ऊपर, उस ऐसे समय में गरीब मजदूर को कैसे जिंदा रखा जाए। आज सड़कों पर श्रमिक लगातार जो पलायन देखने को मिल रहा था, कांग्रेस पार्टी लगातार, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पहले भी अपील की कि उनकी लगातार सहयोग और सहायता की जाए मजदूरों की। ऐसे में आज ये निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी की ओर से कि श्रमिकों को, जिस तरह के हालात आज देश में बने, ऐसे में उनकी मदद की जाए, केंद्र सरकार से मांग की जाए कि श्रमिकों को सहायता पहुंचाया जाए, उनके जो आयकर की सीमा में नहीं आते हैं उन परिवारों को 10,000 रुपए सीधे उनके खाते में डाले जाए, ऐसे में उनको आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। जो पैसा अर्थशास्त्री हैं देश में, उनका भी ये मानना है कि जब गरीब के हाथ में पैसा आएगा तो पैसा सीधा मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा
तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के साथ ही प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो लगातार घूमेगा। ऐसे में जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको भी बल मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, प्रदेश नेतृत्व है, सीएम अशोक गहलोत हैं, तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता 50 लाख का टारगेट रखा है कि 50 लाख कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार से ये मांग करें कि गरीब मजदूर और किसान की कैसे मदद की जा सकती है। छोटे व्यवसायी हैं जो 2 महीने के लॉकडाउन के चलते बिल्कुल आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, तो उनको आर्थिक रूप से मदद की जाए, ऐसी कांग्रेस पार्टी ने आज डिमांड रखी है। साथ ही रोजगार का एक बड़ा संकट आज देश के सामने, लोगों के सामने आ गया है। श्रमिक है वो लगातार पलायन कर रहे हैं, रोजगार जहां पर उद्योगों में वो काम करते थे वो लगातार घर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उनको वहां पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए मनरेगा एक बड़ी योजना है। ऐसे में उनको मनरेगा के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाए। देखिए राजस्थान में भी एक कांग्रेस की सरकार है, तो उस सरकार की ओर से करीब 40 लाख लोगों को मनरेगा में आज रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने डिमांड रखी है कि मनरेगा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। रोजगार की जो कार्य सीमा है वो 1 वर्ष में 100 दिन की है, तो उसको 200 दिन बढ़ाकर किया जाए। ऐसे में लोगों को 1 वर्ष में 200 दिन का रोजगार मिल सके। साथ ही जो श्रमिक पैदल जा रहे हैं उनको निःशुल्क रूप से उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। और जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी पलायन की, उसको लेकर कांग्रेस ने पहले भी श्रमिकों की सहायता के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की। जिस तरह केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने संतोष नहीं जताया। ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह के 20 लाख करोड़ के पैकेज की केंद्र सरकार ने घोषणा की है उसमें सिर्फ कर्ज का प्रावधान किया है। ऐसे में जो छोटे व्यवसायी हैं उनको आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनको सीधा लाभ कैसे पहुंचाया जाए, केंद्र सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। साथ ही चौथा लॉकडाउन चल रहा है और चौथे लॉकडाउन के बाद क्या कार्य योजना रहेगी उसका भी खुलासा केंद्र सरकार को करना चाहिए। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए केंद्र सरकार जो है यहाँ पर कर्ज की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस सरकार की, तो यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है कि मदद उन लोगों को दी जाए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के समय में अगर सबसे ज्यादा मार किसी को झेलनी पड़ी है तो वो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, और साथ ही जो छोटे व्यवसायी है, असंगठित जो कर्मचारी हैं, उनको सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी है। तो उनके लिए बहुत राहत की बात होगी अगर केंद्र सरकार उनके खातों में 10,000 रुपए की उनको मदद पहुंचाए। बिल्कुल मनीषा, देखिए ये अर्थशास्त्रियों का भी ऐसा मानना है कि जिस तरह आज देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सी गई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन आ गई है, ऐसे समय में जब गरीब के हाथ में पैसा नहीं होगा, उनका पिछले 2 महीने से कोई रोजगार के साधन नहीं है, उनके हाथों में पैसा नहीं है, तो केंद्र सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए कि उनके हाथों में सीधा पैसा कैसे पहुंचे। तो ऐसे में केंद्र सरकार को जो खजाना है, सोनिया गांधी ने भी अपील की है कि केंद्र सरकार को अपना खजाना खोलना चाहिए, खजाने का ताला खोले और जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके हाथों में सीधे पैसा कैसे जाए, जो आयकर की सीमा में नहीं आते हैं, जो गरीब हैं, छोटे व्यवसायी हैं जिनको 2 महीने से उनका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को सीधे मदद पहुंचाई जाए, उनके खातों में 10,000 रुपए गरीब मजदूरों के खातों में ट्रांसफर करे केंद्र सरकार। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि जब गरीब के हाथ में पैसा जाएगा तो पैसा सीधा गरीब अपने जरूरत की जो सामग्री है वो खरीदेगा और वो पैसा मार्केट में जाएगा, मार्केट में जब पैसा जाएगा तो सामान की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के साथ ही प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था का पहिया वो लगातार घूमेगा, तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और गरीब मजदूरों को भी इससे सहायता मिलेगी। जी दिनेश, एक और बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि देखिए पिछले हफ्ते ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि कांग्रेस के द्वारा ये स्पीक अप इंडिया का जो अभियान है वो किया जाएगा, जिसमें सोशल मीडिया जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा जो कार्यकर्ता हैं वो ऑनलाइन आएंगे, डिमांड यहाँ पर केंद्र सरकार से की जाएगी, लेकिन क्या भाजपा की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर? बिल्कुल, देखिए जब विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह बैठक की तभी यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अपने विपक्ष की कैसे भूमिका निभाए, तमाम जो दल हैं उनसे चर्चा की सोनिया गांधी ने, शरद यादव हैं, शरद पवार हैं, उनके साथ जो भी तमाम विपक्षी दल हैं उनके साथ चर्चा की और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया कि विपक्ष की भूमिका कैसे अदा की जाए, इसको देखते हुए आज देश की आवाज कांग्रेस पार्टी कैसे बने ये निर्णय लिया। स्पीक अप इंडिया अभियान के द्वारा आज कांग्रेस देश की आवाज बन रही है, 50 लाख से अधिक कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं गरीब मजदूर और किसान की कैसे मदद की जाए, उनके खातों में सीधा पैसा, जो भी केंद्र सरकार ने से आज मांग की जा रही है, नरेगा में 100 दिन की जगह 200 दिवस का रोजगार दिवस किया जाए, तमाम जो ये मांग है आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। कांग्रेस ने टारगेट रखा है कि 50 लाख कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पर डिमांड रखें।
बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि ये जो मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है केंद्र सरकार से कि सभी जो गरीब मजदूर हैं, जो लोग हैं, छोटे जो व्यवसायी हैं, उनको मदद पहुंचाई जाए, इनकम टैक्स के दायरे से जो लोग बाहर आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चिट्ठी के जरिए ये निर्देश दे दिया गया था कि इस अभियान में सभी कार्यकर्ताओं का शामिल होना बहुत अनिवार्य है। सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए लाइव आकर केंद्र सरकार से डिमांड करी जाए, उनसे मांग की जाए उन गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए। और इसीलिए कांग्रेस का ये स्पीकअप इंडिया अभियान 2 बजे तक ये अभियान आज चलने वाला है। ये मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है कि मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर उसे 200 दिन तक किया जाए और टैक्स के दायरे से बाहर आने वाले लोगों के लिए तुरंत 10,000 रुपए की मदद उन्हें दी जाए। केंद्र सरकार को घेर रही है कांग्रेस इस अभियान के जरिए, और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा मार अगर झेलनी पड़ी है तो वो लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, असंगठित जो कर्मचारी हैं वो हैं, छोटे दुकानदार वो हैं, और उन्हीं के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस ये ऑनलाइन अभियान कर रही है। एक तरीके से कह सकते हैं वो मजदूर, वो किसान, वो असंगठित कर्मचारी अपनी आवाज कांग्रेस के माध्यम से उठा रहे हैं, उनकी मदद करना इस समय बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब पैसा उनके पास आएगा और वो पैसा मार्केट में जाएगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के बढ़ने के इससे बहुत सारे चांसेस हैं। और इसीलिए लगातार कांग्रेस की ओर से ये जो स्पीकअप इंडिया का आगाज है वो आज हो चुका है। 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये अभियान चलने वाला है और डिफरेंट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए ऑनलाइन आकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। तकरीबन 50 लाख कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता ऑनलाइन आकर मोदी सरकार से डिमांड यहां पर कर रहे हैं। और इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। ये मांग की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि इनकम टैक्स की परिधि से जो बाहर परिवार हैं उन प्रत्येक परिवारों के खाते में 10,000 रुपए तत्काल जमा करवाए जाएं।